और कोटा से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। 7 दिन से लापता एक कोटा का जो कोचिंग छात्र बताया जा रहा है, घने खतरनाक जंगल में कोचिंग छात्र की तलाश की जा रही है। 100 पुलिसकर्मी, अधिकारी, एसडीआरएफ की टीम तलाश करने में बच्चों को जुटी हुई है। ड्रोन की मदद से भी जंगल को खंगाला जा रहा है। एसडीआरएफ के साथ गोताखोरों की टीम भी बच्चों को जंगल में खंगाल रही है। चंबल नदी में भी छात्र की तलाश की जा रही है। बताते चले कि चंबल किनारे ही छात्र का बैग, चप्पल और मोबाइल मिले थे और इसी के आसपास अब जो है तलाश छात्र की जा रही है। तो 7 दिन हो चुके हैं जब से छात्र लापता है, लेकिन अभी भी पुलिस के हाथ बिल्कुल खाली हैं। छात्र का बैग, चप्पल और मोबाइल जो है वो चंबल के आसपास मिला था, घने जंगल में और नदी में, दोनों जगह पे गोताखोरों की मदद से और एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम की मदद से जो है छात्र की तलाश की जा रही है। और इसके साथ साथ बताते चले कि परिजनों की पहल पर पुलिस ने पोस्टर्स भी चस्पा किए थे जिसमें बच्चे को पता बताने वाले को इनाम देने की बात कही गई थी। ज्यादा जानकारी लेंगे संवाददाता कोटा से, टेलीफोन लाइन पर ओम प्रकाश जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, 7 दिन हो चुके हैं, हाथ अभी भी पुलिस के खाली है, कह क्या रही है आखिर पुलिस? देखिए, पुलिस का अब आज भी हमारी सुबह जब बात हुई, पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पुलिस की भारी भरकम टीम अब फिर से जंगल के चप्पे चप्पे पर वहां पूरे इलाके को छान कर फिर से तलाशी अभियान एक नए सिरे से करेंगे। लेकिन अब तक करीब 100 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पुलिस के जवान, एसडीआरएफ की टीम, अधिकारी लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक 7 दिन बाद भी कोई सुराग हाथ नहीं लग पाया। 50 से 60 जो छात्र के परिजन है वो भी इस पूरे मामले में जुटे हुए हैं, लेकिन अभी तक छात्र का कोई सुराग हाथ नहीं लग पाया। हालांकि अंतिम लोकेशन गरेडिया महादेव के आसपास मिली थी, सीसीटीवी फुटेज मिले थे, ड्रोन से तलाशी की जा रही है, एसडीआर की टीम, गोताखोरों की टीम तलाश कर रही है, जंगल का कोना कोना छाना जा रहा है क्योंकि खतरनाक और हिंसक जानवरों से भरा ये जंगल है, करैया है, गाटिया है, खतरनाक जंगल में कई तरह की जो है जंगली जीवों का खतरा वहां देखा जा सकता है, इसलिए सभी जो तलाश कर रहे हैं वो लाठिया सहित अन्य हथियार। घना जंगल और गहरी नदी ओम प्रकाश, अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि कितनी टीमें बच्चे की तलाशी अभियान में जुटी हुई हैं? क्या वन विभाग की भी मदद ली गई है, एसडीआरएफ एनडीआरएफ की मदद लेकर के तलाशा जा रहा है क्या? देखिए, एसडीआरएफ की टीम, पुलिस, आरएसी के जवान, ब्लैक कमांडो, निगम की गोताखोर टीम, रेस्क्यू, पूरे तरह से रेस्क्यू किया जा रहा है, ड्रोन की मदद ली जा रही है, डॉग स्क्वाड की मदद ली जा रही है, लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद फिलहाल छात्र का सफलता नहीं मिल पा रही है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश तमाम जानकारी के लिए। और कोटा से जो एक और छात्र लापता हुआ था उसकी लोकेशन का पता चल गया। जानकारी है कि लापता कोचिंग छात्र की लोकेशन जो है वो आगरा में मिली है। सकुशल होने की सूचना पर परिजनों को अब राहत मिली है। कोचिंग के लिए बताया जा रहा है कि छात्र निकला था और इसी दौरान वो गायब हो गया था। नीमका थाना का छात्र रहने वाला है, ट्रांसपोर्ट नगर में हॉस्टल में रहकर वो तैयारी कर रहा था। अनंतपुरा थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और छात्र तक पहुंचने की कोशिश लगातार की जा रही है। तो लापता छात्र की लोकेशन जो है ट्रेस हो चुकी है। जानकारी ये है कि बच्चे की जो लोकेशन है वो आगरा में मिली है। तो ये तैयारी कर रहा था कोटा में रह करके छात्र, जो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर तस्वीरें देख रहे थे अभी छात्र की, यही वो छात्र है जो लापता है। बताया जा रहा है कि सीकर के नीमका थाना का रहने वाला है छात्र और ट्रांसपोर्ट नगर में रह करके, हॉस्टल में रह करके तैयारी कर रहा था, आगरा में लोकेशन मिली। बीकानेर के